সদনৰ মজিয়াত ৰাহুল গান্ধীৰ উদাত্ত ৰূপ। ৰাষ্ট্ৰপতিৰ অভিভাষণৰ ওপৰত কথা কোৱা আৰম্ভ কৰিলে বিৰোধীৰ নেতাজনে, আৰু ইয়াৰ পাছতেই ৰাহুল গান্ধীয়ে আৰম্ভ কৰিলে মোদী চৰকাৰক সমালোচনা কৰা। নিজৰ ভাষণত ৰাহুল গান্ধীয়ে ক'লে, দুখন ভাৰত আছে, দো হিন্দুস্তান বন ৰহে হ্যায়, এক অমীৰো কা হিন্দুস্তান আৰু দূসৰা গৰীবো কা হিন্দুস্তান, আৰু ইন দো হিন্দুস্তানো কে বীচ মে খাই বঢ়তি যা ৰহি হ্যায়। এখন অম্বানী আৰু আদানীৰ ভাৰত আৰু আনখন দৰিদ্ৰ লোকৰ ভাৰত, আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এই দুয়োখন ভাৰতৰ সৃষ্টি কৰিছে। 40% हिंदुस्तान से ज्यादा धन है 10 लोगों के पास, ये कैसे हुआ? ये आपने किया, ये नरेंद्र मोदी जी ने किया। एबार राहुल गांधीये कले, कोरोना जिदरे डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट आहिसे, हेडरे देखो दितिया डबल ए वेरिएंट आसे, आरो ए डबल ए वेरिएंटर तलते देखर समग्र अर्थव्यवस्था। कोरोना के समय अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं ना, डेल्टा ओमिक्रॉन वो डबल ए वेरिएंट है, और वो पूरा का पूरा हिंदुस्तान के की जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर फैल रहा है। यार पिछत राहुल गांधी कले जे देखो दरिद्र जनता ए सकलो देखा पाए আছে, और ए जनता एरिन मोदी सरकारक उत्तर दिबो। आप ये मत सोचिए कि ये जो गरीब हिंदुस्तान है जिसको आप बना रहे हैं, ये मत सोचिए कि ये चुप बैठा रहेगा, ये मत सोचिए कि ये चुप बैठा रहेगा, ये चुप नहीं बैठा रहेगा। इस हिंदुस्तान को सब कुछ दिख रहा है, इस हिंदुस्तान को दिख रहा है कि आज, सुनिए, इस गरीब हिंदुस्तान को दिख रहा है कि आज हिंदुस्तान के 100 सबसे अमीर लोगों के पास हिंदुस्तान के 55 करोड़ लोगों से ज्यादा जायदाद है। লোকসভার মজিয়াত এইদরে হরব হয়ে পড়িল রাহুল গান্ধী। নিবনুয়া সমস্যার পর আরম্ভ করে দেশত চলি থাকা বিভিন্ন দিকর কথা উল্লেখ করলে, আর রাহুল গান্ধীর এই ভাষণক লৈ এতিয়া পুনৰ আরম্ভ হয়েছে চর্চা। দেশৰ সকলো সম্পত্তি পুঁজিপতির হাতত গতাই দিয়াক লৈ রাহুল গান্ধী হরব হয়ে পড়ে নরেন্দ্র মোদী সরকারের উপর। রাহুল গান্ধীর এই বক্তব্যর কিদরে মোদী সরকারে প্রত্যুত্তর দিয়ে সেয়াও হব লক্ষণীয়। করোনা কে সময়ে अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं ना, डेल्टा ओमिक्रॉन वो डबल ए वेरिएंट है, और वो पूरा का पूरा हिंदुस्तान के की जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर फैल रहा है। आपने बात उठाई तो मैं उसके बारे में पहले बोल देता हूं। एक व्यक्ति को, नाम नहीं लूंगा, एक व्यक्ति को हिंदुस्तान के सब पोर्ट्स, ब्रांड का नाम अडानी ब्रांड है वो, ब्रांड हिंदुस्तान के सब पोर्ट्स, हिंदुस्तान के सब एयरपोर्ट, पावर, ट्रांसमिशन, माइनिंग, ग्रीन एनर्जी, गैस डिस्ट्रीब्यूशन, एडिबल ऑयल, जो भी हिंदुस्तान में होता है उधर अदानी जी दिखाई देते हैं। और दूसरी साइड अंबानी जी, पेट्रोकेमिकल्स, टेलीकॉम, रिटेल, ई कॉमर्स में मोनोपोलियां। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम 8।